हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नम्रता जायसवाल और आप सभी के साथ मैं छोटे छोटे यूट्यूब टिप्स ब्यूटी टिप्स को शेयर करती हूँ और बहुत सारे प्रोडक्ट भी रिव्यू करती हूँ। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, बहुत दिनों से मैं वीडियोज़ नहीं बना पाई क्योंकि मुझे अपनी फर्स्ट चैनल के लिए व्लॉगिंग करना था, उसमें मैं बिज़ी थी इसलिए नहीं कर पा रही थी। बट कोई बात नहीं, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी कर रही थी जिसका रिज़ल्ट आ चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। आज मैं आपके साथ एक ऐसे क्रीम को शेयर करने वाली हूँ जो बिल्कुल भी नेचुरल है, जो टोटली नेचुरल है और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। तो आज मैं आपको बताऊँगी एक ऐसे क्रीम के बारे में जो कि इंस्टेंट ग्लो लेके आ सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं बट फिर भी। तो इसके लिए आपको जनरली 4 से 5 चीज़ें चाहिए जो कि आपके घर में ईजिली अवेलेबल होंगे। सबसे पहले आपको चाहिए चावल का आटा, फिर आपको चाहिए एलोवेरा जेल, फिर विटामिन ई और गुलाब जल, और इसके साथ आपको टमाटर के स्लाइसेस भी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा कीजिए। अब मैं बताती हूँ कितने कितने अमाउंट्स में आपको इंग्रेडिएंट्स मैच करने हैं, मिक्स करने हैं ताकि आपका जो क्रीम है वो परफेक्ट बन पाए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक कटोरी लेनी है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें आप क्रीम को बनाना चाहते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा बना के ट्राई करना और आई नो और 100% श्योर है कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, बट फिर भी आप क्या करना, छोटे सा ही कोई भी बर्तन ले लेना, कंटेनर ले लेना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 चम्मच आपको चावल का आटा लेना है, ठीक है, प्लस उसमें क्या करना है, 1 टेबल स्पून यानी जिस चम्मच से आप 2 चम्मच आटा लिए हैं उसमें आप पूरा एलोवेरा जेल मिक्स करोगे, फिर उसी चम्मच से 2 चम्मच आपको गुलाब जल को ऐड करना है, प्लस उसमें आपको 1 इवियन दैट मीन्स विटामिन ई का कैप्सूल पूरा मिक्स करना है। अब उसे पूरे अच्छे से मिक्स करो, उसका अच्छा सा टेक्सचर बनाओ। अगर वो थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो आप उसमें एक्स्ट्रा गुलाब जल को ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसको काफ़ी अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 से 10 मिनट उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने फेस में अप्लाई करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके फेस में वो ज़्यादा गीला ना हो, वो अच्छे तरीके से टिक पाए, और जब वो सूख जाए हार्डली आप उसको 15 मिनट्स रखेंगे, उसके बाद जब ये पूरी तरीके से ड्राई होगा, जब आप उसे टच करेंगे तो वो गिरने लगेगा क्योंकि वो चावल का है, ये एज अ स्क्रब काम करने वाला है, ठीक है। तो जब वो कम्प्लीट हो जाता है तब आप क्या करेंगे, टमाटर की स्लाइस लेकर के उसे अपने गाल पे सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे, ठीक है। ज़्यादा देर मत कीजिएगा, इससे क्या होगा आपके चिक्स रेड हो जाएंगे। अगर आपके पास बीट है तो आप उसे टमाटो के जगह पे यूज़ कर सकते हैं, इससे आपके फेस में एक रेडिश ग्लो भी आएगा, ठीक है। तो आप इसे अप्लाई करने के बाद उसे सबसे पहले गर्म पानी से धोएंगे, या आप उस ठंडे पानी से भी धो सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप गर्म से यूज़ करते हो वो थोड़े आपके फेस को रिलीफ मिलेगा, आपके जो आपके पोर्स खुले हुए होंगे मतलब वो थोड़े से काम हो जाएंगे। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, आई होप ये आपको 100% रिजल्ट देगा। यूज़ करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये टिप्स कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी, दैट इज़ नम्रता जायसवाल। हैव अ गुड डे, गुड नाइट एंड ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि आप ट्राई करने वाले हैं। बाय।